हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लॉसम ऑनलाइन एजुकेशन। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, हम लोगों ने ये जो चार्ट देखा था, लेट मी शो यू। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज विच वी विल रीड इन दिस चैप्टर, डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, और स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ये अब हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अभी तक आप लोगों ने स्पीड तो पढ़ा होगा और कुछ लोगों ने हो सकता है वेलोसिटी भी पढ़ा होगा। बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी में एक ही डिफरेंस होता है, दोनों होते सेम हैं। वेलोसिटी में आप डायरेक्शन बताते हो और स्पीड में आप डायरेक्शन नहीं बताते हो। तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को रिमेम्बर होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन बताना है तो डिस्टेंस के बजाय क्या लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बाकी इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, है ना। बस एक डिफरेंस है कि वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन बताना है, मतलब वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों बताना है, जबकि स्पीड में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना है। ओके, चलो तो एक एक के पॉइंट्स पढ़ते जाते हैं और क्लियर करते जाते हैं। तो स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, है ना, वो डिस्टेंस जो कि एक बॉडी के थ्रू ट्रेवल हो रही है पर यूनिट टाइम में, वो क्या हो जाएगा, स्पीड। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला क्या बन गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड हम देख लेते हैं किन किन क्वांटिटीज से मिलके बनी है। देखो, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम, अभी मान लो टाइम भी क्या है, टाइम कोई प्लस माइनस तो होता नहीं, इट इज़ ऑल्सो व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। तो देखो, दो स्केलर क्वांटिटी से मिलके कौन बना है, स्पीड। तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा ना, क्योंकि इसमें कोई भी वैक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, सारी स्केलर है। तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, वैक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, सॉरी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद जो स्पीड होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, फिर जो स्पीड की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये पॉइंट्स क्लियर हुए। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। ओके, एक वर्ड इंक्लूड कर लिया है जो कि है डायरेक्शन, मतलब वो डिस्टेंस जो कि गिवन टाइम में ट्रेवल किया है, है ना, एंड गिवन डायरेक्शन में, इट इज़ स्पीड विद डायरेक्शन। ये क्या है, स्पीड है डायरेक्शन के साथ। तो इसके लिए आप फार्मूला क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी और टाइम स्केलर है, तो वेक्टर और स्केलर इज इक्वल्स टू वेक्टर। ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो सकती है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जबकि स्पीड हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या है, सेम है, मीटर पर सेकेंड। अब ये जो मीटर पर सेकेंड है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, या तो फुल फॉर्म में लिख दो या इस तरीके से, या फिर ये लास्ट वाला, जनरली लास्ट वाला ज़्यादा यूज़ होता है, मीटर पर सेकेंड, ऐसा। ओके, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई अच्छे से। अब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं और एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे डायरेक्शन डिस्प्ले होगी। तो देखो, अगर हम लोग बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, अगर ये कार कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड अगर आपको बोलनी हो तो आप क्या बोलोगे, द कार्स स्पीड इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी बताना है, वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पीड ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। अब ये जो टू द राइट लिखा है, ये क्या डिफाइन कर रही है, डायरेक्शन डिफाइन कर रही है। ओके, ये एग्जांपल क्लियर हुआ। अब ये वाला एग्जांपल देखो,
अगर हम लोग इस कार की बात करें और इस कार की बात करें, तो इस कार की स्पीड आप क्या लिखोगे? मान लो इस कार की स्पीड 25 गिवन है, तो इस कार की स्पीड क्या हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकेंड। इस कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? -25 मीटर पर सेकेंड। और जब इस कार के बारे में बात करोगे, इस कार की स्पीड 25 और वेलोसिटी +25, तो ये जो प्लस और माइनस है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। और ये जो टर्म है वेलोसिटी, ये भी आगे जाके आपको अब यूज़ होगी, ओके, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के साथ डील करना है, ओके, दैट्स व्हाई। ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, ओके। सो इस टॉपिक में इतना ही था, बाकी हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक।